दो अगर माफ तुम्हें तो काम सारा और मजा कर बना लाऊंगा, और के जिस तरह से भी होगा अब वहां जाए करे कि युद्ध के बाद जब वहां पथरीगढ़ में लूट होगी, लूट का माल महोबे न जाकर हमारे कुढ़ार घर जाए, अगर इस बात पर आप दस्तखत करके बड़े भैया की मुहर लगाकर मुझे दे दे तो बाखूबी मैं पथरीगढ़ जाकर सुवा पंखी को रंग चढ़ाया हूँ। यानी यही शर्त है आपकी, तो सुनिए मेरी बात। जी भैया, तो लूट पथरी की सारी करी बाप है, लूट पथरी की सारी करी बाप है, कौनिया जग में विख्यात हो पूरे संसार में, जाओ जाओ लगाओ अब न तेरी करा, जाओ अपनी दिखा दो करामा को। ठीक है भैया, इतना पथरीगढ़ का लूटा हुआ माल है, सब तुम्हारा होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुमेर सिर्फ तुम्हें इतना काम करना होगा, ज्वाला सिंह की बेटी जो सुआ पंखनी है, मेरे भतीजे इंदल के नाम का तुम्हें उस पर रंग चढ़ाना होगा। तो फिर एक शर्त हमारी और है। कौन सी शर्त है? आखिर दुश्मन की बेटी को रंग चढ़ाना है, हमारा दुश्मन भी तो याद करे कि किसी प्यारे से दुश्मन से पाला पड़ा है। ये बात है, इसलिए भैया मुझे दोपहर के वो जेवरात और वो कपड़े चाहिए जिन्हें सिर्फ द्रौपदी के अलावा किसी स्त्री ने धारण नहीं किए हैं, और ये सारे वस्त्र और आभूषण देवी माँ के मठी में आज भी मौजूद हैं। ठीक है, जाके आप वहीं से ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अवश्य भैया, हमें इजाजत दें। खुश रहो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चल तो रहे हैं पथरीगढ़, लेकिन क्या है, लेकिन अभी हमारा एक साथी नहीं आया। हाँ, उसे भी बुला लो। अरे टाइम पास कहाँ मर गया बे? सरदार जी, जय माँ भुनभुनानी की। अरे जय माँ भवानी की। जय माँ भुनभुनानी की। अबे भुनभुनानी की नहीं बे, तुम ये भुनभुनानी नहीं जानते का? भवानी की। भवानी की छोटकी वो बहिनी है भुनभुनानी। अच्छा, हाँ। एक काम करो। जी सरदार जी। हमें अभी और सी बात पथरीगढ़ चलना है। कहे का? ज्वाला सिंह की सुपुत्री सुवा पंखनी पे रंग जो चढ़ाना है। तुम खुद तैयार करो की हो का? क्यों मताई के रिश्तेदारी सब हो जाऊं। क्यों क्यों रिश्तेदारी घूम जाएगा? या तो मैं कहता हूं कि छुट्टी दे दे हुसैनगंज हो जाऊं। आखिर मामला क्या है? इनके बारे का फन ले अपने तेरे ही का इंतजाम करे। अबे पागल हो गए हो तुम लोग? बताओ। अरे जहां पे हम रहेंगे वहां किसी बात का कोई गम नहीं रहेगा। घोड़ा कहाँ है इनमें? अरे देखा उठी जमा है परे हो। चलो टेंशन ले, हम बम लाई ले हाँ सारे। एक काम करो जी, हमारे जादू का बटुआ और हमारी गो
ये साथ में ले लेना। जादू का बटुआ और गोह गोय गोय जी। अरे टेंशन न ले, भूख लागी वही मनास्तो कीन जाई। गोय किया चल चलते हैं। आओ चली जय माँ भून भुना, जय माँ भवानी की। लगता है महोबे से महोबिया कोई नहीं आएंगे और मुझे यही मेरा दिन गुजर जाएंगे। और आज आज इतने दिन हो गए कोई नहीं आया आज तक। क्या बताऊं, आखिर ये कौन सा ऐसा इंसान है जो कि आज रात में फिर मुझे परेशान करने आया। ज्वाला सिंह तू अपना वादा भूल गया जो कि आज रात में परेशान करने आया है। और रात के और पथरी के सिंह चला जा, तुझे मालूम नहीं कि कब का वादा किया है और आज रात में फिर मुझे परेशान करने आया है। मेरे दोस्तों आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। एक काम करो, बोलो टाइम पास। एक काम करो, अपने अपने बंदूकें सही करो और मैं एक बार आवाज देता हूं, अगर कोई दोस्त निकला तो दोस्ती कर लेंगे और अगर कोई दुश्मन निकला तो बात बाद में गोली पहले। ठीक है, मैं देखता हूं। और ज्वाला सिंह मैं हूं नहीं, सुन मंडरीक की देवर है।
अरे भाभी जी जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर हमें कोई देख लेगा तो पहचान जाएगा। आओ देवर जी, दरवाजा खुले ही, आओ आओ टाइम पास। क्या हाल सुनाए तुझे महोबे के? भाभी जी कहूं, जैसे बसंत ऋतु आने के पहले पतझड़ आ जाता है, वही हाल इस वक्त महोबे के हैं। ऐसा मत कहो। हाँ भाभी जी, ना ही कोई तीज मनाया जा रहा, ना कोई त्योहार मनाया जा रहा है, सारा राज परिवार आपके गम में पागल है। ऐसा लगता है कि पूरी नगर की खुशियां ही चली गई हैं। नहीं देवर जी, ऐसा मत कहिए। भाभी जी, जो सत्य है वो हमने आपको बतलाया। लेकिन देवर जी, तो आखिर क्यों यहाँ आए हो? ज्वाला सिंह बहुत खतरनाक इंसान है, क्या लेने आए हो? भाभी जी, क्या लेने आया? अरे जाओ देवर तुम चले, और जल्दी जाओ अरे जाओ देवर तुम चले, अरे जल्दी जाओ भाई, अरे वरना देवर मुक्ति में, अरे अब फिर जाए धाम। देवर जी, भाभी जी, तुम्हें मालूम नहीं ज्वाला सिंह बहुत खतरनाक इंसान है, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा लगता है कि ज्वाला सिंह ने आपके अंदर इतना खौफ भर दिया है कि सोते जगते सिर्फ आपके नजर में ज्वाला सिंह ही नजर आता है। हाँ देवर जी, मुझे डर है। अरे जब कहा था तो चलो चली चले ससुर, पागल हो गए हो? चले चले, आपका इनका सब पतन होगी। अरे उस ज्वाला सिंह की, उस ज्वाला सिंह की क्या मजाल, चौकर बना फरों से टकराए। और रही बात भाभी जी, क्या के ज्वाला सिंह की ताव क्या, और करे जो बाप का बाल, के नमक खोर हूँ आपका भाभी, देखो मेरा तो। Come on!
और मुझे वीर आल्हा ने क्या त्रिशूला पंथनी पर आया ये बौना रंग चढ़ाने इस पर महल बता आपका दिमाग तो नहीं फिर गया काना दिल में दे सतमान और सुआ पंखनी पर आया ये पौना रंग देवर जी भाभी जी तुम्हें मालूम होना चाहिए बिना मैं मेरे काम को अंजाम दिए यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। आप सर्वप्रथम सबसे पहले आप ये बताएं कि सुआ पंखरी किस महल में रहती है। देवर जी जी आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है। क्यों तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सुआ पंखरी के महल में 12-12 दासियां पहरा देती हैं। 12 दासियां और आप रंग चढ़ाने की बात करती है। 12 दासियां? हाँ। अरे शेर सिंह हाँ। और टाइम पास अरे 12 तो क्या अगर 1200 दासियां भी पहरा दे रही हो तो भी भावना का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सही कहते हो देवर जी। मोर बात मानी हो। कौन सी बात? चले भागने की बात नहीं कर रहा बाकी सब बात करना। मैं भागने की बात ना कर। बोल हम ये कहे की 12 दासियां हैं। हाँ हुआ रंग चढ़ावे जाए का है तो भाभी जी मना करती हैं। हाँ हम कहे थी मान जाओ जाने कोनो बाली ना चढ़ा दे हुई ने। अगर बाली चढ़ाने का नंबर आया तो तेरी ही चढ़े पहले। यही खाति ला होगा मुका। और क्या और क्या भाभी जी? क्या आप मानोगे? नहीं जी नहीं भाभी जी नहीं। देवर जी बोलो अगर आप नहीं मानते तो मेरे पास आओ मैं बतलाती हूं। दरबारी तुम इधर आओ। हाँ इसके ऊपर चढ़ो। कुछ दिखाई दे रहा है? देख रहे हो? वो वहाँ नीले रंग का क्या दिखाई दे रहा है? वो जो वहाँ शीश का महल दिखाई दे रहा है। हाँ तो वही सुआ पंखनी का महल है। देवर जी और सामने जो बना है वो जो सामने दिखाई दे रहा है अरे सामने जो बना है अरे वही बसीदा वाली सामने दिखाई दे रहा है जी भाभी जी वही सुआ पंखनी का महल है। भाभी जी क्या अब एक काम करेंगे आप? क्या यही अपने महल से सामने वाली खिड़की खोलकर और यही से देखती रहें आपका देवर बौना वहां करता क्या है। देखिए सारी करामत और रही बात उन 12 दासियों की
ऐसी हजामत बनाऊंगा, ऐसी हजामत बनाऊंगा कि वो भी क्या याद करेगी, ताउम्र भूल नहीं पाएंगी बौना को। और टाइम पास देवर जी, लेकिन बहुत सोच समझ कर जाना। भाभी जी क्या एक छोटा सा काम आपसे अनपड़ा है? क्या काम? दुनिया में आधा जादू आपके पास है और आधे जादू में सारी दुनिया कायम है, इसलिए हमारे टाइम पास को इसके बचाव के लिए थोड़ा सा जादू दे दे। क्या जादू चाहिए? लो ये जादू मैं दे रही हूं, इसे यहां नहीं खोलना, जब कमरे तक पहुंच जाना तभी ये जादू खोलना, वरना ये जादू काम नहीं करेगा। बंद कीजिए। और टाइम पास, अब तो तुम्हारे बचाव का इंतजाम कर दिया, अब तो तुम्हारी बलि नहीं चढ़ेगी, अब डरना नहीं। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि हवेली बहुत ऊंची है और इस सतखंडे पे चढ़ना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ। ठीक है भाभी माँ, हमें इजाजत दे और आप यहीं से देखती रहेंगी। जाओ खुश रहो। आओ ने मेरी दासी कहाँ है? अभी बुलाती हूँ दासियों को और गेट पे सख्त पहरा दिलवाती हूँ। अरे दासी, ओ दासी, कहाँ मर गई सबकी सब? क्या बात है राजकुमारी जी? दासी हाँ देखो, तुम दोनों लोग बहुत सख्त पहरा देना और मैं जा रही हूँ आराम करने। सोने जा रही हो? जी हाँ। ठीक है, हम लोग पहरा दे रही हैं। क्या बोली है? क्या बोली है? बहुत सख्त पहरा देना है, मतलब कि यहाँ कोई आने ना पाए। एक सेकंड भी नहीं सोना। मेरा बिस्तर लगाओ। हाँ बिस्तर लगाओ और मैं जा रही हूँ आराम करने, और दोनों लोग बहुत सख्त पहरा देना। ठीक ठीक। यहाँ कोई आने ना पाए, अगर आ जाए तो जाने ना पाए। ठीक, सो जाइए आप। महारानी तो सो, राजकुमारी जो सोने जा रही हैं और हमें यहाँ खड़ा कर दिया। क्या क्या फड़क रही है? मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? अरे पहले उनको सो जाने दो। अब हम भी तुम भी चुप पे सो जाती हैं। हाँ यार, वैसे भी यहाँ कौन आने वाला है? सही बात है, यहाँ कोई आएगा नहीं।